मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश भर के संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर जमा करने अब 30 अप्रैल तक की छूट प्रदान कर दी गई है। 30 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने पर किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपत्ति करदाताओं को विशेष राहत और छूट प्रदान की है। पूर्व में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। पूर्व में 31 मार्च के बाद संपत्ति कर जमा करने पर अधिभार एवं अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, जिससे भिलाई नगर निगम के संपत्ति करदाताओं को राहत मिली है। किन्हीं कारणों से संपत्ति कर पटाने से वंचित रहे हितग्राही अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसका लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार का अधिभार नहीं देना पड़ रहा है। लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा यह विशेष छूट प्रदान की गई है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, संपत्ति कर तथा स्ववरणी के लिए जो 31 मार्च तक की मोहलत थी, इसको माननीय सीएम साहब के निर्देश पर, माननीय शासन के निर्देश पर जो है उसकी तिथि को बढ़ाया गया है। जो अतिरिक्त अधिभार लगने वाला था भिलाई निगम क्षेत्र में 1 अप्रैल से, वह पोस्टपोन हो गया है और उसके जगह में जो ये तिथि है वो बढ़कर जो है 30 अप्रैल हो गई है। 30 अप्रैल तक विशेष दिवस पर छूट दी गई है, जिसमें कोई भी अधिभार एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। इसको देखते हुए जो संपत्ति कर से मेरे आम जो करदाता हैं, जो छूटे हुए करदाता हैं, उनसे अपील है कि 30 अप्रैल तक आप जो है अपना संपत्ति कर जमा कर लें, उस छूट का लाभ उठाएं। बहरहाल, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद संपत्ति कर पटाने से वंचित लोग अब अपना संपत्ति कर जमा करने नगर निगम मुख्यालय पहुँच रहे हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट।